हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक क्लचर की मदद से ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल। दिवाली आने वाली है, दिवाली पे आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो अगर आप साड़ी डाल रहे हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। एंड सेकेंड चैनल है प्रीत तिवारी टू, जिसपे डिजाइनर ड्रेसेस की वीडियोस डे बाय डे अपलोड होते रहती है, तो आप वहां पे भी जरूर जाइए और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने हेयर वॉश किया हुआ है, तो आपको पहले अपने बालों का ईयर टू ईयर पार्टीशन, यानी कि इस तरीके से पार्टीशन करके अपर डायरेक्शन के हेयर को ऊपर ही सेट कर देना है। तो इसको मैंने ऊपर सेट कर दिया है अभी, सॉरी। यूपिन्स की भी जरूरत पड़ेगी तो आप यूपिन्स रख लीजिएगा। एंड जो आपके नीचे के हेयर है उनको अच्छे से कॉम कर लीजिए। ओके, अब इसमें एक रबर बैंड लगाएंगे हम लोग। रबर बैंड को लगाने के बाद से सारे बालों को ऊपर की तरफ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस टाइप के क्लचर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। और रबर बैंड के ऊपर से इस तरीके से क्लचर को लगा देंगे, देन सारे हेयर को नीचे की तरफ इस तरीके से करेंगे एंड कॉम कर लेंगे बालों में। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक रबर बैंड की और जरूरत पड़ेगी आपको, तो आप एक रबर बैंड और एक्स्ट्रा में रखिएगा और जितना आपका क्लचर है उतना स्पेस छोड़ते हुए इस तरीके से रबर बैंड को लगा लेंगे। आप चाहो तो पूरे बालों के साथ भी ये वाला हेयर स्टाइल बना सकते हो, बट फ्रंट से अगर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लुक देना है तो आप फ्रंट के हेयर को छोड़ दीजिएगा। अब इसको सारे हेयर को इस तरीके से अंदर की तरफ इंसर्ट कर लेंगे, अगर पतले बाल हैं तो हेयर की वजह से अच्छे से हाइड हो जाए और क्लचर दिखे नहीं आपका। अब क्लचर को थोड़ा सा ओपन करेंगे और रबर बैंड को क्लचर के अंदर इंसर्ट करके इस तरीके से क्लचर को दोबारा से लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको कोई पिन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ईजिली आपका जो बन है वो बन जाएगा। ओके, अब आपको ऊपर के हेयर को ओपन कर लेना है। दोनों साइड से ले लेंगे और सिंपली बालों को इस तरीके से लेके जाते रहेंगे एंड ट्विस्टिंग करते जाएंगे। थोड़ा सा मैसी लुक मैं अपने में बना रही हूँ, आपको अगर सिल्क लुक चाहिए तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। इस तरीके से ट्विस्टिंग करना है, देन हल्का सा लूज रखना है, बट अभी नहीं, अभी आपको बस ट्विस्टिंग करके और क्लिप की मदद से इसको सिक्योर करते जाएंगे। सेकेंड लेयर लेंगे, कॉम मैं यहाँ पे नहीं यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे मैसी लुक चाहिए, जहां तक आपने हेयर छोड़े हैं वहां तक आप इस तरीके से पकड़ के हेयर को और ट्विस्ट कर दीजिएगा।
मिरर के सारे लेयर्स को एक साथ पकड़ेंगे और इसको आपस में ट्विस्ट करके इसको बन के चारों तरफ लपेट के यूपिन या बॉबी क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर देंगे। तो इस साइड के हेयर को इस तरीके से मैंने सेट किया है। अब सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड के हेयर को भी सिक्योर करना है। एंड तक पूरा क्राउन एरिया तक जहां तक आपने हेयर छोड़े हैं वहां तक आपको हेयर को लेना है एंड ट्विस्ट करना है। ध्यान रखिएगा मैसीपन बना रहे, बिल्कुल भी वो लूज नहीं पड़ना चाहिए। मैसी लुक जो है वो फ्लैट नहीं दिखे, क्योंकि इसका हेयर स्टाइल का जो लुक है वो मैसी लुक में ही बना रही हूँ मैं। बहुत प्यारा लगेगा अगर आप दिवाली वगैरह पे किसी फेस्टिव पे ये वाला हेयर स्टाइल ट्राई कर रहे हो तो। यूपिन की मदद से मैं साथ साथ में ही सिक्योर करते जा रही हूँ। तो इस तरीके से पूरा मैंने हेयर को अच्छे से सिक्योर कर लिया है। देन बैक साइड से कुछ ऐसा लुक दिख रहा है एंड साइड से आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारा लगेगा अगर आप साड़ी डाल रहे हो और थोड़ा सा स्टाइलिश लुक चाहते हो तो आप ये वाला हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। लेयर्स निकाल के इसको कर्ल्स कर लीजिएगा तो बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ जाएगा आपके बालों का। तो ये है फाइनल लुक हेयर स्टाइल का, वो भी सिर्फ एक क्लचर की मदद से आप इतना खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बना सकते हो अपने पार्टी के लिए, दिवाली लुक के लिए एंड साड़ी डाल रहे हो तो, या फिर वेडिंग सीजन है तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। इसके साथ आप बड़े बड़े झुमके, इयररिंग्स, गले का जो सेट होता है वो सब भी ट्राई कर सकते हो। तो आई होप कि आपको आज का हेयर स्टाइल जो है वो पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी इस तरीके की इजी एंड हेल्पफुल हेयर स्टाइल की वीडियोस देखने के लिए, इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए आप डेकोरेटिव पिन या फिर गजरा जो भी आपको चाहिए वो आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सॉरी इस टाइप के पिन्स जो हैं वो यूज कर रही हूँ यहाँ पे। एक एक करके लगाइएगा, एक साथ लगाने पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो ये और भी खूबसूरत लग रहा है इस तरीके से लुक आपका। और कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा गाइस, जो भी दिवाली, कल दिवाली है तो आप ये हेयर स्टाइल भी ट्राई कर सकते हो अगर आप साड़ी डालते हो तो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो गाइस आज का जो हेयर स्टाइल है वो मैं बताने वाली हूँ एक क्लचर की मदद से, गर्ल्स के लिए बता रही हूँ तो आप ध्यान से देखिएगा। गर्ल्स हैं तो अगर आपके बाल छोटे हैं, आप ओपन रखना चाहते हो तो ये हेयर स्टाइल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आपको इस तरीके से हाफ पार्टीशन करके हेयर को ले लेना है।
यहाँ पे एक रबर बैंड आपको यूज करना है। रबर बैंड लगाने के बाद से आपका जो हेयर है उसको थोड़ा सा आप इस तरीके से खींच लीजिएगा ताकि बहुत फ्लैट ना दिखे। अब आपको करना क्या है, सिंपली आपके हेयर को क्लचर को यहाँ पे लगाना है। लगाने के बाद से एक रबर बैंड और लेना है और यहाँ पे इस तरीके से रबर बैंड को टाइटली लगा देना है और अच्छे से हल्का हेयर को फैलाना है। देन सारे हेयर को अंदर की तरफ इंसर्ट करना है एंड रबर बैंड को क्लचर के अंदर इस तरीके से लगा देना है और क्लचर को अच्छे से हाइड कर देना है। तो गर्ल्स का ये जो हेयर स्टाइल है काफ़ी अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा एंड बहुत इजी तरीके से आप बना लोगे। फ्रंट से हेयर को इस तरीके से खींचना है एंड जो भी आपके लेयर्स निकल रहे हैं, कटवाए हैं आपने फ्लिक्स वगैरह, तो वो जरूर निकालिएगा और भी खूबसूरत बनाने के लिए इस लुक को। तो ये है आज का हेयर स्टाइल गर्ल्स के लिए। दिवाली पे आप अगर गर्ल्स हो, वेस्टर्न ड्रेस से डाल रहे हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। सब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।